पॉइंट क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। डायग्राम सोचने की कोशिश करो, वहां पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द प्लेन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, डायग्राम क्या सोच रहे हो? अरे पार्टी दे गरीब भाई, नाव लिहिले का पहिला बघ काय करणार बघ, प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पे प्लेन लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, बराबर। हाँ। तो हाउ टू गेट दिस पॉइंट, ये पॉइंट कैसे लाना है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, x माइनस 2 बाय t हां इज इक्वल टू y प्लस 1 बाय 4 हां इक्वल टू z माइनस 2 बाय 12 ओके, प्लेन का भी इक्वेशन दिया, क्या दिया प्लेन का इक्वेशन, x माइनस y प्लस z इक्वल टू 5 ठीक है, क्या करें बोलो, मुझे ये पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, हाँ दोनों, इसको भी करें इसको भी करें, क्या करें, देखो वापस से बताओ मुझे पॉइंट की जरूरत है लाइन के ऊपर, दिस जैसे आपने बोला पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, तो मुझे वेरिएबल पॉइंट चाहिए, अगर पॉइंट लाइन पे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, लाइन का इक्वेशन क्या करेंगे, इज इक्वल टू, चलो मैं इसको पी के बोल दूं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 12 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 राइट। अब ये पी लाइन के ऊपर है मगर एज वेल एज इट इज लाइन ऑन प्लेन, तो ये क्या करेगा पॉइंट प्लेन को क्या करेगा, तो सब्स्टिट्यूट करो, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा and substitute and can get the point का coordinate, point के coordinates मिल जाएंगे, तो बाद में complete हो, ये कौन सा था some number 145 उसके बाद complete, आगे क्या करना सबको समझ में, ठीक है next question पर क्या 146 क्या दिया देखो 146 में, angle between the planes, मुझे बता angle between the planes is nothing but the angle between the normals, तो normal का first normal का drs कितना है, formula पता है, what is the angle between the two planes, formula क्या बोलो, हाँ दूसरा in terms of drs क्या formula क्या है, tell me in terms of drs का formula क्या बोलो फटाफट, अरे cos theta is equal क्या formula क्या है, a1 a2 plus b1 b2 ये कॉमन है ना बाबा, वेक्टर से चला आया था है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या बताओ, 2 माइनस 1 1 ये a1 b1 c1 है, दूसरा क्या है 1 1 2 ठीक है, देन 147 क्या दिया है, ये 146 होमवर्क ले हो सकता है या नहीं हो सकता, डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूला बेस, सो यू कैन कीप इट फॉर होमवर्क, 146 147 क्या दिया था, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन प्लेन प्लेन आल्बर्ट, कैसे करेंगे बोलो, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया 147 आल्बर्ट और शेबर प्लेन का इक्वेशन, ठीक है मैं डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म बना लेता हूं, क्या आ रहा है कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं, प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 4y माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 5 बराबर, मुझे क्या यहां पे ओरिजिन बोला है, बराबर आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अभी आपके दिमाग में कुछ याद आ रहा है, इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड व्हाटएवर द वैल्यू यू गेट ऑन द राइट हैंड साइड इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, क्लियर है, हो पाएगा कंप्लीट, अभी खत्म करना है इसको 147 ठीक है।
148 क्या दिया है? The line is parallel to the plane. Line किसको parallel है? Option से चाहिए. Line plane को parallel है, मतलब indirectly आपके दिमाग में क्या आता है? Line parallel है, मतलब उसका normal line को perpendicular. देखो जब comparison होता है, किसका line और plane का, तो plane में से plane को हटा के उसका normal आपको consider करना है. अगर plane line एक दूसरे को parallel है, तो उसका normal लाइन को क्या परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात. ठीक है, तो आपको वही ऑप्शन से जाके देखना पड़ेगा. ऐसे बहुत जने देख लिया, क्या कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ रहा है. ए ऑप्शन क्या आ रहा है? इसका डीआरएस 3 × 3 9, 4 × 4 कैसे आ रहा है? 0. 148 ए कैसे आएगा? ऑप्शन सिर्फ पैरेलल है ना? बेटा परपेंडिकुलर बोल रहा मैं, तुम लोग पैरेलल तुम लोग सेम मिल गया, गलत हो गया. आपको प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. B ऑप्शन में क्या आएगा? 3 × 2 = 6 देन 4 × 1 = 4 तो 6 + 4 = 10 एंड 5 × 10 -10 तो 0 आ जाएगा. तो ऑप्शन 2 आंसर आएगा. इज दैट क्लियर? क्या किया समझा? बाकी लोग क्या किधर देख रहे हैं वहां पे नेक्स्ट लेक्चर से कल लिख के आना. क्या घर पे पूजा करने के लिए रखा है मंदिर के सामने? हाँ, मार्क्स बढ़ा देगा आपका वहां पे रखने. देखे आने का मैथ का लेक्चर क्या चालू है? थियरी पढ़ा के हो गया बोर्ड्स? हुआ कि नहीं हुआ है? अभी से बता देता हूँ. तुम लोग का कल लेक्चर कितने बजे है? सुने कितने बजे बाहर चली गई क्या? हमें कब से लेक्चर है? 12 से है ना? बराबर ना? सब लोग है ना 10:30 से आना चालू करो. मैं टाइम स्लॉट देता हूँ. ठीक है, मुझे सब होमवर्क चेक करवाने का बैठ के. सब लेके आओ, सबका होमवर्क चेक करा. हाँ, 10:30 पे से आके पढ़ लो बाकी का जो भी है. मेरा लेक्चर कब से है? 12 बजे से. हाँ यार, चेंज चले गए कि मैं 12 बजे तब आई ना. हाँ, तो क्या चेंज हुआ क्या? आपका एक लेक्चर था अजीत सर का था, मुस्तफा सर का था. आपको मुस्तफा सर का एज इट इज अजीत सर का पार्सल. फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं है. साइन थीटा वाला फॉर्मूला कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा. A1 B1 C1 क्या है? नॉर्मल के DRS है. तो A2 B2 C2 क्या है? लाइन को पैरेलल वेक्टर है उसके DRS या लाइन के DRS है. ठीक है, इसको अभी करोगे आप कौन सा? 149 क्योंकि बहुत जन को बहुत याद आ रहा है ना. 149 उसके बाद 150 क्या दिया है? द प्लेन्स this and this zero mutually perpendicular to aapko sahi the option c option. Theek hai, 151 c aayega na? Sir d distance ka, are ha c nahi aayega, d aayega. Theek hai, option d is answer. Right, 151 kya diya hai? Angle between the line and plane hai. होमवर्क डालो उसको. 152 द पॉइंट एट विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्ट द प्लेन इज 152 हो गया. क्या दिया प्लेन का इक्वेशन? 2x + y + z = 7. ठीक है, ये दिया है और एक लाइन दिया है. क्या दिया? लाइन लाइन नहीं दिया, दो पॉइंट्स दिए हुए बराबर ना. दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बोलो. पहले लाइन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बोलो 2 1. दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 − 4 − 5 बराबर −5. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ये जो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला क्या है? जो लाइन है उसको ये लाइन प्लेन क्या कर रहा है? कट कर रहा है. तो कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? वो लोगों को बराबर कौन से पॉइंट पे? तो मैं क्या करता है, इसको जॉइन कर लेता हूं.
तो ये सपोज वो पॉइंट है जो कट रहा है, इमेजिन कर पा रहे ये प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ऐसा लाइन जाए, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के, तो दिस सम इज एग्जैक्टली सेम एज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आपको करना था बनाना था, और बाकी सब कुछ सेम है जो हमने यहाँ पे किया, इज दैट क्लियर? कुछ अलग नहीं, ये सम 145 एंड 152 क्या है, दोनों सेम ही है, सिर्फ पूछने का तरीका क्या है चेंज कर दिया, कर पाओगे? इसके जगह पे कभी कभी आपको रेशियो, इसको आगे जाकर क्या आप क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन से रेशियो में डिवाइड करा है, वो आ जाएगा, पूछा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया क्वेश्चन है, तो उसके इसमें भी आप क्या करोगे, पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो निकालोगे, बराबर कि नहीं? हाँ या ना? इज दैट क्लियर? ओके, दूसरे केस में आपको आपको शायद से ऐसा बोला जाएगा कि ये प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया, एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, इक्वेशन ऐसा दिया जाएगा कि लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स उसको परपेंडिकुलर मुझे प्लेन चाहिए, कैसे करेंगे, प्लेन एक्चुअली उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, और ये हाँ मिड पॉइंट से क्या मिल जाएगा उसका पॉइंट इन द प्लेन मिल जाएगा मुझे, नॉर्मल भी मिल जाएगा, कैसे नॉर्मल का डीआरएस क्या आएगा, ये इस लाइन का जो डीआरएस, समझ में क्वेश्चन, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which bisects the line joining this two and perpendicular to the line, समझ में आया क्वेश्चन, उस केस में क्या है आपको, देखो पहली बात आपको पता है कि प्लेन का इक्वेशन लाना है, we want a point in the plane and normal to the plane, ये दो चीजें सही होते, पहले ही समझ जाए, जिसको ये चीज समझे तो बाकी की चीजें कंप्लीट करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसको सर्च करना है गिवन डेटा से, आपको फाइंड आउट करें किस तरीके से मुझे पॉइंट ऑन द प्लेन मिले, किस तरीके से मुझे नॉर्मल टू द प्लेन मिले, that we have to find, once you get that आपका equation plane तो आराम से बन जाएगा, तो ये system खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे बोलिए system में, line का equation बनाएंगे, line का equation क्या आएगा बताओ, what is the equation of the line बताओ, equation of line क्या आएगा, x minus 3 upon 2 minus 3 is equal to क्या लिखेंगे, y plus 4 upon माइनस थ्री माइनस प्लस इज इक्वल जेड प्लस फाइव अपॉन वन प्लस इज दैट क्लियर, सिंपलीफाई को लैम्डा ले लो, लैम्डा लेके पॉइंट मिलेगा, फिर प्लग इन करो इसके अंदर प्लेन के इसके अंदर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा मिलेगा, तो वापस से आपको क्या करना है उसमें, क्या क्वेश्चन पूछा है, पॉइंट पूछा है, तो आपको यहाँ पे पी पी के कोऑर्डिनेट्स पहले अज्यूम करके फिर डालना, ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 152 हो गया, 153 क्या बोला है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है, होमवर्क डालो, क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वही सही है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो 154 अभी करोगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, नहीं 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 अलग है, 154 ठीक है, कर डायग्राम 154 क्या दिया, 154 में एक 154 में क्या बोला, प्लेन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, ये कौन से दो पॉइंट्स है बोलो, 3, 2, 2, 2, उसका बी पॉइंट माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या प्लेन इज, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा डायग्राम बनाना, पहले डायग्राम बनाना सीखो, वैसे पासिंग टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द क्या लाइन है, लाइन को पैरेलल है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स माइनस 1/2
थ्री लाइन पैरेलल। उसके बाद क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे बताओ क्या मिसिंग है इसमें? नॉर्मल नॉर्मल कैसे लाएंगे नॉर्मल? वो वेक्टर इसको पैरेलल है, इसको जो वेक्टर पैरेलल हो क्या है? टू आई क्या माइनस टू जे क्या प्लस थ्री के क्या, समझ में आ रहा है? वो एक वेक्टर है, यहाँ पे ए भी एक वेक्टर है, उसका क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल मिलेगा दो पॉइंट से, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना तो क्या रिक्वायरमेंट है आपके। यहाँ पे आपके बेसिक रिक्वायरमेंट जो पॉइंट है तो ऑलरेडी है, क्या दोनों था? नॉर्मल। जैसे आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वेरी नाइस। चलो 155 क्या दिया? 155 में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट है एंड इज नॉर्मल इज जो प्लेन को नॉर्मल लाइन है उसके दो पॉइंट्स ये ना, तो उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डी आर एस ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ यार, आई थिंक उसके बाद तो सम आ जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करके सब नंबर 155 करना है? यहाँ पे 155 में कौन सा फॉर्मूला होगा? मुझे लाइन का पॉइंट आपको डी आर एस पता है, डी सी एस पता, डी आर एस आपको नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, तो आपको क्या यूज करना है? ये वाला कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो अदरवाइज हम लोग के पास फॉर्मूला है चलो अगर नहीं कार्टेशियन फॉर्म याद आता है, वेक्टर फॉर्म आता है तो भी आप कंप्लीट तो कर सकते हो, कंप्लीट करो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में बाद में ला सकते। समझ में आया? एटलीस्ट यू डू दैट। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलो जो जो सम बोले फटाफट कंप्लीट करो। अभी क्या चलो फास्ट सम नंबर 156 देखो, सीधा सम नंबर 156 क्या दिया? 156 क्या होता है इसका? हाँ 156 में क्या बोला है? प्लेन जो है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस को तीन पॉइंट्स पे जाके मिल रहा है, ये प्लेन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस। x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे, z एक्सिस c। हम लोग अज्यूम करेंगे क्या, सपोज ये जो है कोऑर्डिनेट्स a है, 0 b पे जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करेंगे? 0 b 0 c पे हो 0 0 c, ठीक है? तो इंटरसेप्ट फॉर्म करके कोई फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन का? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन नाउ हियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, right? अभी आपको बोला क्या है? एक ट्राइंगल दिया है, आपको लोकस पूछा है। क्या वर्ड यूज किया है? लोकस। लोकस वाले सम सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं यार, तुम लोग डिफिकल्ट समझ लेते हो, पर मुझे हमेशा लगता है क्या कुछ है लोकस नहीं पूछा है ठीक है, द लोकस नहीं पूछा है क्या? एबी सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आपको प्लेन का मतलब ये जो प्लेन है उसका इक्वेशन चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे मुझे जो अजम्पशन किया है स्मॉल ए बी सी वो कितना आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना, मतलब एक्चुअली लोकस का सम नहीं होता, ठीक है? लोकस का एक सम बनता है शायद से उसी किसी आपने जो बोला शायद से लोकस वाला सम ले लिया था, वो ले चुका हूँ थ्योरी पढ़ाते वक्त शायद से इसका एक सम लिया था मैं जिसमें लोकस डायग्राम सेम था मगर क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन अलग है और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अभी यहाँ पे अगर सेंट्रोइड बोल रहे हैं तो a प्लस जीरो बाय थ्री इज इक्वल टू अल्फा
बी जीरो प्लस बी प्लस जीरो बाय थ्री इज इक्वल टू बीटा. समझ में क्या कर रहा हूँ मैं? ए प्लस जीरो प्लस जीरो बाय थ्री, फिर जीरो प्लस बी प्लस जीरो बाय थ्री, उसके बाद जीरो प्लस जीरो प्लस सी बाय थ्री, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो सी बाय थ्री इज इक्वल टू गामा हो जाएगा. मतलब ए का ए का हल कितना आया? थ्री अल्फा. बी का हल कितना आया? थ्री बीटा. एंड सी का हल आया थ्री गामा. ये वाले सीधे डालोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन थ्री अल्फा बार अपॉन. हाँ बच्चे बोलो. सेम बिल्कुल फर्क नहीं कर तुम. ठीक है, सबको समझा क्या किया? क्या हुआ? इक्वल टू इसमें से ए बी सी का वैल्यू जो था वो डाल दिया. सेंटर तो सब नंबर 157 देखो क्या बोला है. इफ द लाइन इक्वेशन लाइन इज दिस then its symmetric form is, I think बहुत easy है. symmetric form बना रहे हैं, ठीक है? cartesian form में करेंगे. ठीक है, क्या आएगा उधर? यहाँ पे question क्या दिया था बोलो? 150 क्या था? 150 six था, 157 बताएंगे क्या दिया उसके अंदर बोलो? x is equal to a y plus b. a y plus b. plus b. उसके बाद? z is equal to c y plus d. c y plus d. हाँ. Okay. इतना दो ही दिया है. ठीक है, अभी यहाँ पे y दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में y कॉमन दिख रहा है, उसके साथ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y, और यहाँ पे क्या z माइनस डी अपॉन c इज इक्वल टू y. दोनों को सिर्फ इक्वेट कर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी. आपको प्ले लाइन का इक्वेशन आ गया. सबको समझाएंगे कभी कभी इस तरीके से देते हैं तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों में जो कॉमन है उसको वैल्यू लाने का और फिर इक्वेट कर देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 158 क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू द प्लेन इज. प्लेन को पैरेलल मेजर कर रहे मतलब नॉर्मल को परपेंडिकुलर मेजर कर. समझ में आ रहा है? ठीक, इसका थोड़ा सा हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम. ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मेजर अलोंग. ओके, लाइन देखता हूं. लाइन का इक्वेशन क्या दिया? x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री. ओके, पॉइंट यहां पे दिया P 3 8 2. ठीक है, अभी नॉर्मली जब बोला जाता है डिस्टेंस हमेशा क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर. डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. मगर यहां पे ऐसा नहीं बोला गया. देखो एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग P का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन जो है में अलग अलग हो सकते हैं आपके. सिर्फ डिस्टेंस जब बोला जाता है तो परपेंडिकुलर होता है. मगर मेरा डिस्टेंस ऐसे भी मेजर हो सकता है, ऐसे भी 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 हो सकता है. क्या बनना चाहता समझ में आया? डिफरेंस अलग अलग तरीके से मेजर हो सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? तो उन्होंने क्या बोला है? ये आपको ये पी का डिस्टेंस निकाला लाइन से जो मेजर हो रहा है पैरेलल टू द प्लेन. एक प्लेन है उसको पैरेलल मेजर हो रहा है. समझ में आया? तो उसका जो नॉर्मल निकलेगा वो इसको क्या रहेगा? परपेंडिकुलर. समझ में आ रहा है? इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन?
ये इसको परपेंडिकुलर डायगोनल क्लियर है सबको क्या करना है मुझे एक पॉइंट है उसका मुझे डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन मगर वो डिस्टेंस कैसे मेजर करना है प्लेन तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है क्लियर है हाँ यार प्लेन का इक्वेशन क्या दिया आपको 3x प्लस किधर गया किधर गया हाँ प्लस 2y माइनस 2z प्लस 15 समझ रहे इज इक्वल टू जीरो देखो ये सब आपको आ जाएगा अगर मैं आप अगर उस तरीके सोचते हो तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ना मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए क्या करें देखो सब चीजें वहीं पे आके गिरेगी इसको लैम्डा लूंगा मुझे पॉइंट मिलेगा फिर उसको निकालेंगे इसका और ये इसके बाद परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा उसका प्रोडक्ट कितना आएगा जीरो समासन खत्म हो गया पॉइंट मिला मतलब इस सब में क्या जरूरी है विजुअलाइजेशन कि एग्जैक्टली क्या चाहिए बाकी तो आपने डायग्राम बना दिया सब कुछ प्रॉपरली विजुअलाइज कर लिया तो सब बहुत आसान बन जाता है कुछ ऐसा लॉजिक हमने नहीं लगाया जो हमने अब तक उसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं सब लोग वही लगाए जो हम लोग को पता है सिर्फ ये कलेक्टिवली लगाए समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर भी है मिसिंग पॉइंट भी है डीआरएस भी आ रहा है बहुत सारी चीजें इसमें आ रही तीन चीजें यहाँ पे आ गई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए समझ में आया कंप्लीट कर पाओगे क्या करना है बोलो यहाँ पे इस पॉइंट को अज्यूम करना है दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लाना है तो लैम्डा लेना है तो आपको ये पॉइंट है उसके बाद क्या करना है ये नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर वापस मैं वही बताता हूँ कंपैरिजन जब आता है लाइन का विद द प्लेन प्लेन को छोड़ देने का उसका नॉर्मल पकड़ने का क्योंकि नॉर्मली आपको काम आने वाला है प्लेन पैरेलल तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ये ध्यान में रखने का ये चीज है ठीक है तो इसका नॉर्मल का डीआरएस क्या आएगा 3 2 -1 इसका डीआरएस जो भी आएगा आप लोग का दोनों का क्या आएगा प्रोडक्ट लेके इज इक्वल टू 0 लेना वहां से आपको क्या मिलेगा लैम्डा मिलेगा लैम्डा मिलेगा यहां पे प्लगिंग करोगे देन यू विल फाइंड द डिस्टेंस समझ में आया या नहीं आया आया एवरीवन अंडरस्टूड यू नेक्स्ट क्या है 159 क्या दिया है इफ द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व देन सी इज वापस वही इंटरसेक्ट हो रहे लैम्डा लो पॉइंट लो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो फाइनल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड गेट द आंसर समझ में आया या नहीं आया सेम तरीके से करना इज दैट क्लियर आया ना लैम्डा लेना उसके अंदर डालना आपको ठीक है जेड का वैल्यू जीरो डाल के आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा एक्स वाई में डालोगे तो मिल जाएगा क्लियर है हाँ या ना yes. करो कोशिश मिल जाएगा क्या क्वेश्चन है ना क्वेश्चन कुछ अलग है ना एक सेकंड एक सी इज इक्वल टू था जीरो को हटा सी का वैल्यू पूछे ठीक है जीरो उसके बाद नेक्स्ट सब नंबर 61 क्या दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू z axis and perpendicular to the line bola is kya aayega left line plane passes to the z axis ko se pass ho raha hai ye x axis hai y axis hai z axis with z axis ko se pass ho raha hai इधर इमेजिन कर रहा हूँ तो जेड एक्सिस से पास हो रहा है तो क्या कहना चाहिए उसका नॉर्मल जेड एक्सिस को क्या है परपेंडिकुलर वो दिमाग में आ जाएगा ठीक है इस परपेंडिकुलर टू व्हाट लाइन बोले मतलब जेड एक्सिस इसको क्या है पैरेलल है नहीं समझे हाँ यार समझे कि समझे प्लेन कहाँ से पास हो रहा है जेड एक्सिस से पास हो रहा है तो आई कैन सी दैट जेड एक्सिस नॉर्मल को क्या है उसके बाद बोला कि उसके आगे चल के हम लोगों को बोला गया कि एक लाइन दिया है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है तो अभी मैंने बोला कि जेड एक्सिस प्लेन को पैरेलल है सबको समझा या नहीं समझा क्या बच्चा
किधर दिया फोन में? हाँ तो उसको डीआरएस में उसको इग्नोर करने का, डीआरएस वो जीरो है और पॉइंट वहां पे है मगर डीआरएस जीरो, उसको लिख सकते हैं इसे, या तो उसको अलग करके मैं जेड इज इक्वल टू 3 भी लिख सकता हूं। जेड पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? अगर मुझे उसको इक्वेशन को अलग लिखना है, किधर है? हां x माइनस a अपॉन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन sin थीटा एंड फिर कॉमा दूंगा और z इज इक्वल टू 3। इससे क्या है आपका वो जो DRS है उसका z कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट 0 है, 0 है z कंपोनेंट ऑफ DRS। कंपोनेंट मतलब हम लोग को DRS में हम लोग क्या लिखते हैं, तीन तीन वैल्यूज होते हैं ना DRS के लिए, हां या ना, सपोज a b c ये तीन है, तो अगर आपका c वाला पोर्शन 0 है तो यहां पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है वो c वाला पार्ट 0 है, यहां पे कॉमा डाला है, इक्वल टू नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? अगर इसके जगह पे मैंने इसी भी इतना लिखा होता z माइनस 3 लिखा होता सिर्फ, तो नीचे 1 है, समझे कि नहीं समझे? तो नीचे वहां पे 0 दिया है, तो 0 के अलावा वो क्या कर सकते हैं, इक्वल टू साइन आता आएंगे कॉमा लिखेंगे और z इज इक्वल 3, इसका मतलब है z जो आता है हम लोग का डी जो थर्ड कंपोनेंट वो क्या आएगा 0 है। क्लियर? हाँ या ना? अंडरस्टूड? चलो पहले आप इसको खत्म करो उसके बाद उसको सॉल्व करो। क्या बोला समझा? नॉर्मल प्लेन इज पासिंग थ्रू द, क्या बोला है? Z. समझ में आया? हाँ यार, तो नॉर्मल क्या है, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर और आपको जो लाइन दिया वो नॉर्मल जैसे ही है, तो वो दैट इज परपेंडिकुलर टू द, हाँ परपेंडिकुलर प्लेन मतलब जेड एक्सिस को भी क्या है, जेड एक्सिस को लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो आगे क्या करना आपको, कंप्लीट करो, चलो फटाफट इसको करो। सर लेकिन पहले सॉल्व तो करो, कंप्लीट किया है, करो पहले। प्लेन किधर जा रहा है, z एक्सिस से जा रहा है, आया ना? मतलब देयर इज अ वन पॉइंट ऑन द z एक्सिस जिसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, k कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो, z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा। लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट इज 0 0 k, दिस इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, z एक्सिस भी बोलो या प्लेन के ऊपर है, बराबर? अभी हम लोग को नॉर्मल का डीआरएस पता है क्योंकि लाइन का डीआरएस है। हां लाइन का डीआरएस क्या है, cos sin 0, cos sin 0, तो फार्मूला यूज किया a into x minus x1 plus b into y minus y1, वो कर दिया तो cos थीटा into x minus 0, sin थीटा into y minus 0 and 0 into z minus 1। अब ये a हो कुछ भी होना मुझे क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली वो क्या आ रहा है, 0 आ ही रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, z एक्सिस पे पॉइंट है ना, पॉइंट इज ऑन द z एक्सिस एंड पूरा z एक्सिस प्लेन पे ऊपर लाई कर रहा है, पूरा z, देखो ऐसे नहीं बोल रहा, और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बट आई कैन टेक वन पॉइंट ना, आई वांट ओनली वन पॉइंट टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट पॉइंट कैन बी 0 0 k कैन बी एनी पॉइंट, ठीक है वो डाला तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा k की वैल्यू से, चला गया, ठीक है। अभी शायद से डिवाइड बाय क्या करो, cos थीटा कर लो, तो x plus tan थीटा into y is equal to 0, ये आपका इक्वेशन तो प्लेन आ गया, ठीक है समझा कि नहीं? समझा? देखो बाकी का प्लेन देखो ये लाभ ले लिया, ये पॉइंट आया, इसका डीआरएस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 3, 4 प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8,
4 लैम्डा माइनस 5 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 मतलब 3 लैम्डा. ये ब्रैकेट में लिखे हो डीआरएस ऑफ दिस और नॉर्मल के डीआरएस क्या है 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 सबको मल्टीप्लिकेशन करके आगे करते हैं. समझा या नहीं समझा? मैंने डायरेक्ट लिखा है, आई होप समझा रहेगा. ये ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, ठीक है, डीआरएस ऑफ दिस लाइन, ये लाइन इसका. चाहे तो अगर आप नेमिंग कर देता हूं मैं, अगर मैं इसको Q बोलता हूं, तो दिस आर डीआरएस ऑफ PQ, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना, तो आपको एक क्यू मिल गया, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिले. डिस्टेंस फॉर्मूला करो, 4 + 9 = 13 + 36 = 49 = 7. बोलो आदित्य नरम, क्या सोच रहे हो अभी उसी समय हो? क्लियर है कि नहीं? श्योर? क्या है? करना है, ठीक है. क्या सम नंबर 161 क्या बोला? इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, मेकिंग इंटरसेक्ट ऑफ इक्वेशन विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है प्लेन, उसका इक्वेशन क्या होता है? दोनों का उसका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला तो उसका डीआरएस, जेड एक्सिस का डीआरएस कितना आता है? एक्स एक्सिस का ना 100 होता है, ठीक है. एक सेकेंड, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ एक्स कैसे कैसे प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना, कैसा प्लेन जाएगा वो? कैसे भी जा सकता है, वो उल्टा जाएगा, कैसा होगा? ऐसा लगेगा पैरेलल जाएगा, थोड़ा मुड़ा हुआ है तो मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है. ये प्लेन है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस. प्लेन ऐसा जा रहा है क्योंकि उसका इंटरसेप्ट कहाँ पे आना चाहिए? वाई और जेड के साथ, ऐसा एक परपेंडिकुलर नहीं जाएगा. नहीं समझा आपको प्लेन क्या बोला? किसको पैरेलल है? ऐसा प्लेन जाएगा, हाँ या ना? तो ये एक्स एक्सिस है, इमेजिन कर पा रहे कि नहीं? ये है, इसकी जरूरत में नहीं है, ठीक है. ये अपना एक्स एक्सिस है, उसको क्या प्लेन पैरेलल है. ऐसा पैरेलल मत समझो, ऐसा पैरेलल होगा तो किसी एक को कट करेगा, मतलब इसको या तो वाई को कट करेगा नहीं तो जेड को कट करेगा, ऐसा नहीं जाएगा. थोड़ा टिल्ट होना चाहिए, ऐसा टिल्ट जाएगा, समझे नहीं? समझो टिल्ट जाएगा तो वाई और जेड है एक्स को कट, नहीं समझ में? ऐसे जाना है, अरे ये भी ऐसा प्लेन जा रहा है, ठीक है. ऐसा प्लेन जा रहा है तो पॉइंट क्या आ रहे हैं उसके ऊपर? हाँ
मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया। इस पे क्या बना रहा है, जैसे y पे क्या बना रहा है, 3 0 3 0 इधर क्या आएगा 8 परपेंडिकुलर है एक्स को, उसका नॉर्मल क्या रहेगा परपेंडिकुलर है। इसका डीआरएस कितना है 100। ठीक है चले, अभी मैं इक्वेशन का प्लेन क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं ना, इसका इसका जो वेक्टर आएगा और इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उसका नॉर्मल बन जाएगा, प्लेन का बोल सकते हैं राइट। तो इसका ये जो वेक्टर आएगा कितना आएगा, 3 आ गया माइनस 3j क्या माइनस 8k क्या, ठीक है। सपोज ये इसको हम लोग a बार मानते हैं, b बार मानता हूं i कैप, ठीक है। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, i j k, तो 0 माइनस 100। इसके आ जाते हैं तो क्या आएगा, आई इंटू जीरो को आई चला जाएगा जी, 0 माइनस माइन 0 8 माइनस 8 जी क्या के लिए प्लस 8 माइनस माइनस के लिए 0 माइनस 3 तो माइनस 3 के, ये नॉर्मल बन गया। अभी एक कोई पॉइंट ले लो तो क्या आएगा, x माइनस सॉरी a कितना आएगा, a तो 0 आएगा, मतलब 0 इंटू x माइनस 0 चलेगा, प्लस माइनस 8 y माइनस 0 माइनस 3 इंटू z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 चला गया, माइनस 8y माइनस 3z प्लस 24 8y प्लस 3z इक्वल टू 24। तो कंफर्म वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, वो मैं वो वहां पे 0 नहीं ले सकता, वहां पे तो रॉन्ग है, तो हम थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं सबको क्या एग्जैक्टली। पहले आप ये समझो कि x एक्सिस प्लेन, अभी ये डायग्राम थोड़ा भूल जाते हैं, प्लेन किसको पैरेलल है, हमने इसके पहले सम किया है, प्लेन किसको पैरेलल है, x एक्सिस। इस प्लेन में मेरे पास दो पॉइंट मिले, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर आएगा, ये x एक्सिस है, दोनों को क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल सोचो नॉर्मल सोचो दादा। इसको एक्चुअल में डायग्राम में जाके देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सिंपल है, प्लेन है, प्लेन को पैरेलल क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लेन में दो पॉइंट दिख रहा है, ए एंड बी, दोनों जॉइन करेगा ये वेक्टर आएगा एक्स एक्सिस, दोनों का क्रॉस क्या देगा मुझे, नॉर्मल देगा, बस वही मैंने किया जो हम लोग जानते हैं। हाँ एक्चुअल में डायग्राम में जाने के लिए जाएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। दो इंटरसेप्ट दिए प्लेन के, मतलब मेरे पास दो पॉइंट्स ऑन द प्लेन पता है, प्लेन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, वो भी मुझे पता है। Is that clear? समझ में आ रहा है? तो दो पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद एक वेक्टर मिलता है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा,
बी कैप बी बार ले लिया और ये वेक्टर क्या लिया मैंने ये वाला, समझ में आया या नहीं भाई? ठीक है, इसको मुझे चाहिए तो ये क्या माना ए बार माने और ये जो वेक्टर इज अलोंग दिस बी बार, समझे या नहीं समझे? ये ए बी वेक्टर ये दोनों का क्या लिया क्रॉस लेके प्लेन के पे गया नॉर्मल है। अभी इसमें आप दिखेगा नहीं एक्चुअली इसका नॉर्मल इधर बाहर आ रहा है। हाँ यार फिलहाल ये डायग्राम एक्चुअल डायग्राम में जाके पढ़ोगे देखोगे तो आपको कंफ्यूजन भी लगा कि रॉन्ग है और एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे सोचते हैं तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन किसको पैरेलल है, दो पॉइंट इसके ऊपर है, एक लाइन आ गया है तो दोनों का क्रॉस इसका नॉर्मल होगा, बस खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? कोई भी दोनों में से एक पॉइंट ले लो सम सॉल्व होगी, पर एक्चुअल में वहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँ चीज प्रॉपरली नहीं समझ। इज दैट क्लियर? सम क्लियर है सबको? नेक्स्ट कौन सा था 161 ठीक है, उसके बाद 162 क्या है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द प्लेन एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय बाय अ प्लेन विद पॉजिटिव एक्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स रिस्पेक्टिवली आर दिस प्लेन ने दो एक्सिस का एरिया बना था, एक्स एक्स वाई एक्सिस है उसके बाद वाई जेड एक्सिस है जेड एक्सिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द प्लेन विद द पॉजिटिव एक्स वाई ऐसा हो रहा है क्या? ये ट्राइंगल वो ट्राइंगल ओरिजिन के साथ अगर ट्राइंगल ले रहे तो शायद से वो होगा, तो सपोज ये ए बी सी मानते हैं ठीक है, तो ये ए है ये बी है तो एरिया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा हाफ ए बी इज इक्वल फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है 12 दिया है राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चा 24 होगा ठीक है, उसी तरह हाफ बीसी कितना आ जाएगा हाफ बीसी वाई जेड दिया ना वाई जेड कितना आएगा 9 मतलब बीस हाफ बीसी बीसी इज इक्वल टू उसके बाद हाफ एसी कितना आएगा 12 कितना 6 दिया तो एसी इज इक्वल क्या आएगा 12 ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसमें से B का वाली कितना आएगा 24 बाय 8 इधर C का वाली कितना आएगा 12 बाय 8 नहीं समझे और BC कितना है तो क्या मिलेगा मुझे 24 बाय 8 इंटू 12 बाय 8 इज इक्वल टू 18 नहीं समझा ठीक है 6 2 6 3 3 8 a square is equal to 16 तो a is equal to 4 a 4 है तो b आएगा 6 and c आएगा 3 पांच से वही है क्या देखो पॉजिटिव व्हाट इज मीन पॉजिटिव यूज किया ठीक है यार मतलब ये ट्राइंगल की बात कर रहे हो अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है मतलब एक्चुअली उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने एरिया द पॉजिटिव एक्सिस चलो ठीक है उनको वही बोलना हो चलो आई होप सबको सॉल्यूशन समझा क्या क्या हाँ यार अरे समझा क्या यस सर बुक लग रही है ना किसको लगी बुक बताओ
सर नाउ 163 इन द स्पेस द इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वो प्लेन किसको परपेंडिकुलर बताओ बी वाई प्लस सी जेड किसको किसको परपेंडिकुलर है किसको एक्स एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो परपेंडिकुलर किसको रहेगा ठीक है नहीं समझा चाहिए तो लिख के रखो अगर लिख के रखना है तो यहाँ पे भी कहीं पे लिखा रहेगा आगे देखो सिनॉप्सिस में देखो कहीं पे प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस प्लेन पैरेलल टू द वाई एक्सिस लिखा है क्या देखो कहीं पे सोनिया होते तो बता देती तो यहाँ पे लिखा है बात कोई पढ़ता ही नहीं है सोनिया को पढ़ते हम लोग यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ते वही तो प्रॉब्लम है कि दिया है इतना प्रिंटिंग का पैसा वेस्ट होता है फिर बोलो पढ़ना ही शो शो के लिए दिए क्या कुछ पढ़ने के लिए ना कि भाई हाँ एडवर्टाइजमेंट करना है हम लोग को न्यूज दे रहे हैं भाई पढ़ो ना कुछ तो पढ़ना चाहिए कई कई बहुत लोग ऐसा कुछ कलरफुल करते हैं पेज पे वो कहीं दिखता नहीं है पैरेलल बने बना दो प्लेन मेरा ऐसे घुमा दो ऐसा सर्कल बनाएगा ना ऐसे घूमेगा ऐसा रोटेट होगा तो कंटिन्यूसली वो वाई जेड प्लेन को क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा बता बता तो बता मैं देख रहा हूँ बस यहाँ पे है क्या अरे रुको चल इधर दो सौ क्या बात कर हाँ एक सेकेंड बोलो अपने आप में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो प्लीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने सम सॉल्व किया क्या था वो प्लेन क्या था प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्स तो हमको मिसिंग ही होने वाला है ना इतना समझते हो हाँ या ना ठीक है हम लोग को जो इक्वेशन मिला था प्लेन में उसमें वाई टर्म एंड जेड टर्म था इतना क्लियर है तो प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हम लोग बोल सकते उसका फॉर्म क्या रहेगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल जीरो द प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द प्लेन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है क्या रहेगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो द प्लेन पैरेलल टू द जेड एक्सिस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ये क्लियर है सबके दिमाग में बाद में लिखेंगे इसको ठीक है अभी यहाँ पे तुम लोग को हर चीज इमेजिन करवाना पड़ता है वही दिक्कत है हम लोग इमेजिन नहीं करते ठीक है मतलब प्लेन ना मैक रहे फिर वाला ये प्लेन है ठीक है ये एक्स एक्सिस है ना इसको एक्स एक्सिस को अगर प्लेन पैरेलल है इनको नहीं दिख रहा है ना इनको दिखाना पड़ेगा ये प्लेन पैरेलल से क्या है एक्स एक्सिस है ये पैरेलल एक्स एक्सिस को है बराबर ना तो एक्स एक्सिस इसको क्या है वाई जेड को परपेंडिकुलर है तो अगर वाई जेड को परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन भी क्या होगा परपेंडिकुलर इतना समझते हो तो ये प्लेन अगर पैरेलल ही रखना है तो मैं ऐसा घुमाऊंगा ना नहीं समझ ऐसा सर्कल बनेगा ऐसा ऐसा घूमेगा प्लेन नहीं समझ में आ रहा अरे घुमाना मतलब एक ही फिक्स हुई प्लेन ऐसा बहुत सारे प्लेन बना सकते हो तो पैरेलल टू दिस घुमाना की मतलब अलग अलग केसेस बता रहा हूँ मैंने ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा अलग अलग नहीं 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 अलग डिफरेंट डिफरेंट
ऐसा एक लाइन यहाँ पे ऐसा है ऐसा 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 ऐसे ऐसे केसेस घूमते रहेंगे ठीक है बट इन एवरी केसेस इट इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन हालत है ठीक है तो अभी चाहिए तो लिख के रखो लिख के रखना है तो रखो अभी इसका आंसर क्या आएगा हाँ बच्चा एग्जैक्ट को क्या एग्जैक्ट को क्या 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 कौन प्लेन एग्जैक्ट को परपेंडिकुलर सब केसेस भी नहीं होगा ना उस केसेस में होगा उस केस में आपका चेंजेस हो जाएगा फिर देखिए ये ऐसा है करो ना अभी ये प्लेन यहाँ पे बना दिया ठीक है ये पैरेलल टू द क्या है अभी ये किसी भी हालत में ये प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन हो सकता है एक्स को अगर पैरेलल बना दिया प्लेन मैक्सिमम क्या आ सकता है इसको 90 बन सकता है इसको 90 बन सकता है y और z को परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे होगा बताओ मुझे मैंने मैं बोल रहा था xz को भी परपेंडिकुलर होगा xz प्लेन को भी xz को भी परपेंडिकुलर आप वही बोल रहे हो एक केस ऐसा आ रहा है प्लेन वही बोल रहे मैंने एक केस ऐसा आ रहा है तो बोलो कि इसको भी परपेंडिकुलर होगा किसको yz प्लेन इसको भी परपेंडिकुलर होगा मगर सारे प्लेन हाँ सर वाई जेड है ये एक्स जेड है ये वाई जेड ये एक्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई जेड तो ये एक्स जेड है बराबर भाई अभी अभी बराबर बोला ये एक्स जेड है मतलब मेला ऐसा वर्तीस गया वाई ऐसे ऊपर ही जाए जेड ऐसे ऊपर समझ ना तू मेरी बात जेड इसे ऊपर ही ले लो मेरे को अच्छा होगा तुम पता नहीं ये जेड ऊपर ले ठीक है ये जेड है ये एक्स है ये वाई है ठीक है ये एक्स जेड प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है प्लेन ऐसे पैरेलल है बराबर हाँ यार पैरेलल किसको है एक्स एक्सिस को पैरेलल ये एक्सिस पैरेलल है तो किसको तू बोल रहा कि इसको या इसको पैरेलल क्यों नहीं ऐसा बोल रहा है ना किसको पैरेलल क्यों नहीं जेड को परपेंडिकुलर एक्स जेड रुको ये एक्स है ये जेड है इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं इस प्लेन को परपेंडिकुलर क्यों नहीं वो होगा केस मतलब एक ही केस होगा हर केस नहीं होगा परपेंडिकुलर हो सकता है नॉट एवरी केस ये प्लेन ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये इसको भी परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने लिए इधर भी बनाऊंगा ना ये प्लेन एक्स वाई प्लेन को भी क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा समझ में आ रहा है भाई ये एक ही केस है मुझे जनरलाइज करना है ना जनरलाइज करना तो क्या होगा छोटी भैया ऑन करे आपको क्या पूछा क्वेश्चन में अभी उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्शन सुना है एक प्लेन का दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्शन ठीक है पहले तो आप टूडे में भी आप पकड़ते हो लाइन का एक लाइन है इस लाइन का रिफ्लेक्शन सुना है तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है लाइन में भी देखेंगे तो ये और ये एंगल क्या आता है सेम समझ में आई कैन से दैट कि ये दो लाइन का बाइसेक्टर ये लाइन होता है समझे बाइसेक्टर ठीक है सेम अभी इसको प्लेन के साथ रिलेट करो ऊपर एक प्लेन है पीछे एक प्लेन है तो इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन में आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है तो ये जो प्लेन है तो ये दो प्लेन का क्या होगा एंगल बाइसेक्टर हां नहीं समझा समझा ये प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है ये ऊपर वाले प्लेन का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए नीचे तो ये ऐसा आएगा हां नहीं समझ में आ रहा ये इस प्लेन का रिफ्लेक्शन यहां ऐसा है तो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है ये दो प्लेन से जो भी आपका एंगल बनेगा उसका ये क्या एंगल बाइसेक्टर समझ में ऑलरेडी मैंने एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला दिया था क्या है देखो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे दिया डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे दिया
डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे दिया रहेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू प्लेन्स. लास्ट लास्ट में दिया है, लास्ट लास्ट में दिया है, लास्ट लास्ट में फॉर्मूले मैंने दिया एंगल बाइसेक्टर. डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे दिया रहेगा. ऑब्ट्यूज के लिए एक्यूट के लिए क्या ले रहे हैं बराबर ना? यस वन. तो पहले प्लेन का इक्वेशन क्या दिया गुरु? 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बरो ये आपका पहले लाइन का, पहले प्लेन का इक्वेशन. जिस पे प्लेन रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका प्लेन का इक्वेशन क्या है? x माइनस y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू. बरो अभी इस सम को इजी करने के लिए हमने ऑप्शन से जा, मुझे पता है कि ऑप्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे, मैं ऑप्शन से कोई भी एक वेक्टर लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला ही वेक्टर ले लिया. क्या था पहला वेक्टर? 4x - 3y - 15 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड ले लिया 16 + 9 + 4 इज इक्वल. या फिर प्लस माइनस करूंगा ये प्लेन लिखूंगा. ये समझा? ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है, ये ओरिजिनल प्लेन वो ले लिया. 2x - 3y + 4z - 3 अपॉन रूट ओवर 4 + 9 + 16 ये कैंसिल. मैं खुश हूँ, कैंसिल. ठीक है, अभी ये प्लस चलेगा कि माइनस चलेगा वो देखना पड़ेगा मुझे. मैं चाहिए तो प्लस माइनस है ना, ये देश में रास्ता से मस्ती करता हूँ. लक्ष्य आए मस्त लक्ष्य देते हो इसमें. अभी ये इधर लाने के बाद आपका ये बनना चाहिए. मैं प्लस के साथ गया, फॉर एग्जाम्पल प्लस के साथ गया तो 4x - 2x करेंगे कितना आएगा? 2x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, 0 है. मतलब प्लस के साथ नहीं आ रहा है, माइनस के साथ. माइनस 4x है इधर, तो कितना आएगा? माइनस 6x. माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3y प्लस 3y प्लस 6y माइनस 2z माइनस 6z माइनस वन प्लस 15 प्लस 18 इज इक्वल टू 0. डिवाइड बाय क्या करो? माइनस 6 करो, कितना आएगा? एक्स माइनस वन प्लस जेड माइनस 3 इज वही इसके मैच. ऑप्शन वन इज योर आंसर. समझा? ये तरीका ही ज्यादा आसान है, बाकी कोई बहुत सारे तरीके हैं. मैं चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन में इस तरीके से आता है, प्लेन का रिफ्लेक्शन में पता चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है. मैं एक सबको ना पटक पटक मारूंगा. सम चल रहा था इसमें, बीच में कुछ बोला नहीं मैंने. क्या चल रहा है तुम लोग का? हाँ क्यों हंस रहे थे पीछे देशमुख? हाँ किधर किधर है हंस रहा है? क्या चल रहा है तुम लोग का? एक्सप्लेन कर मुझे क्या किया मैंने. खड़ा रहे, एक्सप्लेन करो मुझे. देशमुख खड़ा रहो, एक्सप्लेन करो मुझे क्या किया मैंने. 166 क्या दिया है? सेम क्वेश्चन दिया है हाँ. क्या बोलो क्या आएगा बताओ? y कॉमन आएगा. हाँ, y कॉमन है. x प्लस अभी y इज इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन आता है? एग्जैक्ट प्लेन आएगा मतलब. और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? और ये कौन सा प्लेन है? तो ये प्लेन XOZ है और ये प्लेन XOZ को परपेंडिकुलर, मतलब मेरे पास ये दो कौन से प्लेन है? परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे. तो ऑप्शन डी. सबको समझा या नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा. वाई इज इक्वल टू 0 मतलब विच प्लेन? XOZ. ठीक है, और अभी अभी हमने फॉर्मेट सीखा, ये कौन से फॉर्मेट में जाता है? ax + cz + d = 0 उस फॉर्म में जा रहा है. तो उस फॉर्म में आपका जो प्लेन होता है किसको परपेंडिकुलर और पैरेलल होता है? y एक्सिस.
एंड परपेंडिकुलर टू एसओ जेड प्लेन, तो वो एसओ जेड प्लेन है और वो एसओ जेड को परपेंडिकुलर है, मतलब इंडायरेक्टली क्या कहते हैं दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट मेक्स एंगल, बहुत आसान है आपको डायरेक्शन रेशियो सुनने नॉर्मल के, ज्यादा नंतर ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट, प्लेन थ्रू द पॉइंट बोला है ना, प्लेन थ्रू द पॉइंट, क्या प्लेन किसे किसे पास हो रहा है, 100 010 के साथ प्लेन पास हो रहा है, विच मेक्स एंगल, प्लेन किसके साथ एंगल बना रहा है, दूसरे प्लेन के साथ एंगल बना रहा है, बराबर ना, हाँ या ना, क्या एंगल बना रहा है, पाई बाय 4, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल चाहिए, कैसे करेंगे बताओ, लेट द डीएनएस ऑफ नॉर्मल्स बी एबीसी, एबीसी मान ले, ठीक है एबीसी मान लेते, ये जो है इसको ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसके साथ नॉर्मल इसका क्या आएगा, परपेंडिकुलर ही आने वाला, इसमें कौन सा वेक्टर मिलेगा मुझे, वेक्टर जो मिलेगा क्या आएगा, आई क्या माइनस जे कैप प्लस, इसमें ही आएगा तो या इसका डीआरएस, इसका डीआरएस क्या आएगा, इसका डीआरएस कितना आएगा, 1 - 1 0, इसके साथ क्या आएगा वो परपेंडिकुलर, दैट मींस आई गेट द ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस ए इज इक्वल टू बी, ये मुझे मिल गया समझा। उसके बाद क्या बोला है, अभी ये डीआरएस दिया है, पॉइंट है मेरे पास, सपोज मैंने इसको अज्यूम कर लिया, तो क्या आएगा a इनटू कोई भी एक पॉइंट, ये है x माइनस 1 प्लस b, नहीं लूंगा वापस यही लूंगा, a इनटू y माइनस 0 प्लस c इनटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये मेरा किसका इक्वेशन हो गया, प्लेन का इक्वेशन, एक किसका इक्वेशन हो गया, प्लेन का इक्वेशन, राइट, तो ax प्लस ay प्लस cz माइनस a इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन होगा, प्लेन का इक्वेशन, आया ना, यस और नो, तो नॉर्मल का डीआरएस क्या हो गया, एक्चुअली नॉर्मल का डीआरएस था ना, प्लेन की जरूरत ही नहीं थी, आई एम सॉरी, नॉर्मल का डीआरएस है वो दूसरे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहा है, डीआरएस ऑफ द प्लेन कितना आ रहा है, डीआरएस ऑफ प्लेन कितना आ रहा है, प्लेन डीआरएस ऑफ नॉर्मल, आर क्या आ रहा है, a, c, समझा, आया ना, अभी वो एंगल क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल कितना आएगा, दूसरे लाइन का क्या आ रहा है, a इनटू कितना आ रहा है, a का ही वैल्यू आ रहा है, एक्चुअली b का वैल्यू नहीं आ रहा, xyz a का ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है यहां चलो, छोटू था देखा इक्वेशन, देखा इक्वेशन दूसरे प्लेन का इक्वेशन, ओके ए इनटू कितना आएगा, 1 प्लस ए इनटू वापस से बनाएगा, ठीक है, और सी इनटू को 0 हो जाएगा, सी इनटू 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रूट ओवर आई जस्ट मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ओवर कितना है, 1 प्लस 1 है, कॉस 45 डिग्री कितना आ रहा है, 1 बाय रूट 2, कितना इधर कितना आएगा, 2a प्लस 2a अपॉन कितना आएगा, स्क्वायर के अंदर 2a, हां करते हैं 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू रूट 2, कैन स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो कितना आएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट मींस c इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स a हो जाएगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c बाय रूट 2, ये क्या हो गया मेरे, ओके क्या रूट 2, हाँ तो रूट 2 है ना, नहीं सही है ना, ये मुझे मिल रहा है, हाँ
ऑप्शन बी दिया क्या आंसर? तो कॉमन मल्टीपल है ना, मुझे ठीक है नॉर्मल का मेरे पास है 3 पॉइंट्स है नॉर्मल का इक्वेशन। डीआरएस क्या मिलेगा मुझे? के टाइम्स आएगा, चलो के के एस रूट टू के ये नॉर्मल का डीआरएस है, तो क्या आएगा एक्स माइनस के नहीं के इनटू एक्स माइनस वन प्लस के इनटू वाई माइनस जीरो प्लस रूट टू के इनटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो के एक्स प्लस के वाई प्लस रूट टू के z is equal to 0, ठीक है? अभी ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है, स्पेन को आया नहीं, ओके माइनस k भी आएगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, तो 0 प्लस k, वो एक्चुअली सेटिस्फाई करेगा, तो k का वैल्यू होगा, हाँ k तो निकल रहा है ना सब में से, हाँ के निकल गया ना, हाँ के निकल गया, तो कितना आएगा x plus y plus root 2 z minus 1 is equal, ये प्लेन का इक्वेशन हुआ, आपको DRS ऑफ द नॉर्मल पूछा ना, तो 1 1 2, ठीक है इज दैट क्लियर? हाँ या ना? मेरे इधर उधर से चला गया, ठीक है आई होप कि आपको वापस से भी बता देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन क्या दिया है? पहले यहाँ पे हमने कुछ लिया था डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, यहाँ से लेना पड़ेगा, लेट डीआरएस लिखना तो लिखो मेरे साथ, डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, लिखो बराबर डायरेक्शन रेशियो प्लेन आर दिस ए बी एन से कल डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन टाइम था लगा नॉर्मल टू द प्लेन आर ए बी सी लिखा हुआ ए बी सी ये डायग्राम बनाया और इसका डीआरएस ये लिख, चाहे तो ये डायग्राम में ए एन बी लिखो, ए एन बी लिख दो, डायग्राम बनाओ इसको ए एन बी लिखते हैं, अभी आप ये लिखो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफॉर 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, इसके बाद क्या प्लस जीरो इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, याद है लिखा? उसके बाद वापस है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर ए ए सी, देयरफॉर ये कॉस आए, ये पूरा लिखा, उसके बाद लिखना a is equal to b is equal to c by root, उसके बाद ये लिख देना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इसको ऑप्शन
कल वॉल्यूम लेके आप इंटरनल जो कि आप होते हैं उसको एक्सएस टू के सम सॉल्व कर लीजिए। आज क्या है डेट क्या है 13 राइट 30 ठीक है।